आदाब नाजरीन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर की जानिब से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम उर्दू नामा में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आप जानते हैं कि उर्दू नामा के तहत हम हर एपिसोड में किसी न किसी अहम शायर या अदीब या अफसाना नगार, नावल नगार को जहमत देते हैं और उनकी ज़बानी उनकी तख्लीक हम सुनते हैं। आज हमारे दरमियान उर्दू के एक नहायत ही मोतबर अफसाना नगार मौजूद हैं जिन्हें उर्दू दुनिया मोहतरमा कमर जमाली के नाम से जानती है। कमर जमाली साहबा का असल नाम कमर सुल्ताना है। आपने फारसी में जामिया ओस्मानिया हैदराबाद से एमए किया है और आप एमआरओ तहसीलदार के तौर पर वजीफा हुस्न खिदमत से सबकदोश हुई हैं। आपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं और आपके 6 अफसानी मजमुए अब तक मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं जिनका नाम है शबी, सबूचा, सहाब, जुहाब, सहरा बकफ, संगरेजे। आपका एक नॉवेल भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है आतिशदान के नाम से। इसके अलावा आपके तनकीदी मजामीन के 2 मजमुए शाया हुए हैं जिनका नाम है इनकास और नवाहे अदब। दर्द का रिश्ता भी आपके अफसानों का मजमुआ है। इसके अलावा हाल ही में एक आपका अफसानी मजमुआ फितराक के नाम से शाया हुआ है जिससे एक अहम अफसाना आज मोहतरमा कमर जमाली यहाँ पेश फरमाएंगी। मोहतरमा कमर जमाली को उनकी इल्मी व अदबी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर बहुत सारे इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया है जिनमें इम्तियाज़ मीर, कथा जर्नल अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी का और बज़्म इल्मो अदब का, अलम बरदान उर्दू, इसके अलावा राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान का कमर रईस अवार्ड और इस्मत चौधरी अवार्ड इसमें ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। आपके अफसानों के मुख्तलिफ ज़बानों में तराजिम हुए हैं। आपकी अफसाना निगारी और नावल निगारी और दीगर इल्मी व अदबी खिदमात पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से तलबा ने एमफिल और PhD का मकाले तहरीर किए हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज मोहतरमा कमर जमाली आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और उर्दू नामा के इस एपिसोड में फ़न और फ़नकार के तहत आप अपना अफसाना नवाए ज़िंदगी पेश करने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मोहतरमा कमर जमाली का आज के प्रोग्राम में और हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच नहीं रही है। आपका खैर मकदम है मैम, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपसे गुजारिश है कि आप अपना अफसाना नवाए जिंदगी पेश फरमाएं। बहुत शुक्रिया फिरोज आलम, आपका बेइंतहा शुक्रिया और मेरे तमाम सामईन खारीन जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हो या देख रहे हो उन तमाम के खिदमत में मैं आदाब अर्ज करती हूँ। और अपनी सबसे आखिरी किताब इस वक्त जो मेरे हाथ में है मेरी 11वीं किताब है नवाए जिंदगी अफसानी मजमूआ है, इसी से आपके सामने अपना अफसाना पेश करने के जी शुक्रिया मैम। मेरी आंगन में बेसाहिबान बैठी थी, यही वो आंगन था जो उसके सर पर हमेशा साहिबान किए रहता। नीले नीले आसमान पर सुरमई बादलों की खन्नाते खलों से लदा टेरेस के पैरापिट वॉल तक अपनी मजबूत बाहें फैलाए, सर पर पंखा झेलता जामुन का दरख्त और सर तापा तना हुआ अपने वजूद पे नाजा दूर आसमान से बातें करता हद आवर यूकलिप्टस का पेड़ जो उसके अच्छे बुरे लम्हात का वाहिद गवाह था, जिसके तने से पीठ लगाए पेड़ के अतराफ बने सीमेंट के खूबसूरत चबूतरे पर वो और सामने कुर्सी पर बैठे आजर घंटों बातें करते, कभी लफ्जों की तवस्सुत से तो कभी बेआवाज सिर्फ सन्नाटे बोलते, आंखें खुली होती और लब चिले होते फिर भी तरसीम हो जाती। बीते दिनों की यादें, बच्चों की किलकारियां और आंगन में एक दूसरे के ताक़ुब में दौड़ते वो 4 नन्हे नन्हे पांव जिन्हें उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मगर पंखों में परवास की ताकत आते ही कैसे ये आंगन सूना सूना हो गया। चौबंदी से लगी रंग बिरंगी गुलाब की क्यारियां और फाटक से लगी इश्क पेचा की बेल जो आगे बढ़कर उन 2 पेड़ों को यूं लिपट गई थी जैसे उन्हें कभी जुदा होने न देगी। यूकलिप्टस का पेड़ तुम्हें इस कदर पसंद है जैसे तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। हाँ, और ये जामुन का दरख्त आके यादर हमेशा आंगन पर साहिबान किए हुए, और ये इश्क पेचा, यह हमारी रफाकतों की जामिन है। देखो कैसे जकड़े रखी है, जैसे कभी जुदा होने ना देगी। आजर, आप मुझे कभी अकेली ना करोगे ना। कैसी बातें करती हो, इतनी बड़ी अदीबा हो, अपनी कहानियों में बड़े बड़े फलसफे बयान करती हो। रोज सोने से कबल यो ये वो योमी तो का विरोध करती हो। जानती हो मौत बरहक है, जो इस दुनिया में आता है वो जाता भी है, कोई आगे तो कोई पीछे। रियलिटी में आओ, बच्चे ठीक कहते हैं, यू आर एन इमोशनल फूल। चलो उठो, मगरिब की अजान हो गई है। उनका रोज का मामला था, शाम की चाय रोज साथ पीते, इधर उधर की हाँकते, फिर कभी खुशगवार और कभी सोगवार मूड के साथ अंदर आते। घर की बत्तियां जल उठती और दोनों अपने अपने मशगलों में मुंहमिक हो जाते। मगर इधर चंद सालों में सब कुछ बिखर गया। वैसे बजाहिर सब कुछ वैसा ही था, इसके पेचा भी जिंदा थे मगर उदास थे। जामुन का पेड़ और यूकलिप्टस भी खामोश खड़े थे, क्योंकि साकिब खड़ा रहना ही उनका मुकद्दर था। हाँ, मगर गुलाब की क्यारियां सिदरा गई थी, उनकी शादी गायब हो चुकी थी। फूल की पत्तियों में रंग भरने वाली नन्ही नन्ही रंगे सूख गई थी और फूल बेरौनक हो गए थे। फिर देखते ही देखते ये सहन उजड़ गया। और ताकिया की आवाज पर वो चौंकी, वरना जाने कब तक वो यूं ही बैठी बीते लम्हों को जोड़े कोई कहानी बुन रही होती। दरअसल लम्हे वक्त के कोप से निकलकर फजा में मालूम हो रहे थे। वो उन्हें समेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अपने शिकस्त का एहसास उसे जिंदगी से दूर ढकेल रहा था। अगर अदब का सहारा न होता तो वह कब के मर चुकी होती। कोरियर, हाँ भैया, वो अपने हवास में लौट आई। डाकिया से कोरियर लेते हुए उसने सोचा कि काश ये कोई सौगात न हो। उसने बड़ी एहतियात से पॉकेट खोला, अंदर एक साड़ी जगमगा रही थी। यकाएक उसका मोबाइल बज उठा। हेलो मम्मी, पसंद आई? अभी पार्सल खोला ही नहीं है, देखा नहीं? हाँ, देखिए, 1000 बार समझाया, अब मुझे साड़ियों की जरूरत नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं? मम्मी असम गई थी, देखिए आप पर खूब जचेगी। प्योर सिल्क है और रंग भी मटियाला, औदी कलर आपकी पसंद। पर बेटा तुम्हें कैसे पता कि पार्सल मेरे हाथ में है? टाइम मैनेजमेंट मम्मी, मैं ट्रैक कर रही थी। काश इसी तरह तुम मेरे जज्बात और एहसास को भी ट्रैक कर सकती। मुझे सौगात की नहीं रफाकत चाहिए, 2 घड़ी के लिए, ताकि एहसास हो कि मैं जिंदा हूँ। उसने ज़ेरे लब कहा। मम्मी, कुछ कहा आपने? नहीं बेटा। पसंद आई? बहुत। मगर? ये मगर वगैरह बाद में, पहले आप देखिए ना। ये तो देख, मैं तो देखते ही एक्साइट हो गई थी। ये मेरी मम्मी पे खूब जमेगी। मम्मी मम्मी आप चुप क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, देख रही थी। पसंद आई ना? जरूर आई होगी, आप पर खूब उठेगी। मैं सच कह रही हूँ ना, बहुत महंगी है, 10,000 की। आप इसे चैरिटी में मत दे देना, अगली किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में पहनना। मेरी मम्मी तो इंदिरा गांधी लगेंगी। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे प्यारी मम्मी है। मुझे आप पर फख्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू माँ। मम्मी इधर देखिए, मैं अपना कॉलर चढ़ा कर कह रही हूँ। देख रही हूँ बेटा, तो मेरा बेटा है। बेटा तो भैया है, सिर्फ मर्द के साथ लेकर पैदा होना हुआ तो बेटा नहीं हो जाता। बेटे होकर भी तू मेरा भरम है। मगर फिर वही मगर, काश तू मेरी जरूरत समझ सकती। इस उम्र में मुझे सौगात नहीं, 2 घड़ी का साथ चाहिए। अच्छा ये बता, तू तो मुझसे मिलने कब आ रही है? अगले वीकेंड पर जरूर कोशिश करूंगी माँ। ऐसी कितनी वीकेंड गुजरी बेटा, क्या करूं मम्मी? एक तरफ घर गृहस्थी, दूसरी तरफ करियर की डिमांड्स। हाँ समझते हैं। उसकी आवाज रोन गई। उसने फोन बंद कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि बच्चे दुखी हों। वो अपने जज्बात का इजहार करना भी नहीं चाहती थी। उसे अपने बच्चों पर यकीन था कि वो भी उसी की तरह हसास है, क्योंकि हसास इंसान की सूझबूझ इजहार की मुहताज नहीं होती। शायद वो गलत थी या फिर सही, क्योंकि बेटा तो कहता है कि उसे जिंदगी की वाजिबात को समझना चाहिए। हाँ, तो मयूरी दाम उठ चुकी थी, उसने चाय के खाली प्याले उठाए और अंदर आ गई। घर की बत्तियां रोशन थी, साड़ी को हैंगर पर लटका कर अलमारी में टांग ही रही थी कि उसका हाथ गुलाबी शनान की साड़ी से टकरा गया। भैया ये साड़ी पहनो, तुम पर खूब उठेगी। आज़ाद उसने पलट कर देखा, वहां कौन लेना था सिवाय हॉलनाक सन्नाटे के। क्यों इतना सताते हो आज़ाद? लैंडलाइन की घंटी बज रही थी। हेलो मॉम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। किससे बातें कर रही थी? ये अच्छी बात नहीं मॉम। किससे बातें कर रही थी? अपनी तन्हाइयों से। ये अच्छी बात नहीं है मॉम, संभालो अपने आप को। आपको इस तरह तो आप स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार हो जाओगी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी से बात कर रही थी? टाइम मैनेजमेंट मॉम। तो तुम दोनों बहन भाई टाइम मैनेजमेंट के असीर हो। हम ही क्यों मॉम, आपका हर तरह के पसंद इंसान एक टाइम कैप्सूल में बंद है। तुम वक्त को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकते, वक्त तुम पर हावी है, वही फैसला करता है कि किसको कब क्या करना चाहिए। बेटा हमने भी तो जिंदगी जी इसी सदी में, मगर वक्त की तंगी आंखें निकालकर हमें कभी खौफजदा न कर सकी। हमने हर काम आजादाना किया, अपने माँ बाप का ख्याल रखा, घंटों उनके साथ बिताए, उनकी दिलजोई की। हमने भी बच्चे पैदा किए, उन्हें पढ़ाया लिखाया, बल्कि बहुत ज्यादा पढ़ाया। मॉम एक बात पूछती थी, कल आपने कुछ ट्वीट किया था क्या? हाँ, तो ऐसा कोई जुमला ज्यादा पढ़ी लिखी औलाद का अलमिया ये है कि वो सबसे पहले अपने माँ बाप को तन्हा छोड़ देती है। तो मुझे पर्सनल समझ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। तुमने क्या कहा? क्या कहता? शर्मिंदा होना पड़ा। चलो तुम्हारी कैप्सूल में शर्मिंदगी की गुंजाइश तो है, उसने ज़ेरे लब कहा। एक बात कहनी थी मॉम। हाँ कहो। प्लीज मॉम, हालत बस समझना कि तुम अगली छुट्टी में आओगे ना, यही कहना है? हाँ, पर बात छुट्टी की नहीं है मॉम। यहाँ की शहरियत कवानीन के मुताबिक मुझे इंडिया आने में कुछ वक्त और लगेगा, थोड़ा इंतजार और। बाय द वे मैंने $5000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। 1000 बार सोचा है, मुझे रुपयों की जरूरत नहीं है। मेरा पेंशन खुद इतना ज्यादा है कि मेरी जरूरियात की तकमील होकर भी कुछ बच जाता है। और ये कि शहरियत की बात करते हो, जहाँ शहरियत मिलने के बावजूद तुम महाजिर कहलाओगे, दूसरे दर्जे की शहरी। उस मुल्क की शहरियत की आंख लगाए बैठे हो जहाँ की मिट्टी से तुम्हारी खमीर का कोई ताल्लुक ही नहीं। आखिरी है हिंदुस्तान के होनहार तालिब इल्म जो शहरियत तरमीम खवानीन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। सन 2020 हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर बड़ा भारी पड़ रहा है। मुसलमानों का मुस्तकबिल खतरे में है, बल्कि कुछ ही अरसे में यहाँ मुसलमान तारिकुल वतन और तारिकुल वजूद हो जाएंगे। तुम्हें कुछ खबर भी है? खबरें देखते हो? तो मैया के तन बदन में आग लग गई। उसने फोन रख दिया। क्या सोचा तो क्या हो गया? बेटे को वकालत पढ़ाई कि हिंदुस्तानी मजलूमों को इंसाफ दिलाएगा, सब काया पलट हो गई। बेटा गोरों को इंसाफ दिलाने चला और बेटी नहीं। बेटी ही तो मेरा भरम है, मेरे दुख सुख के साथी। हर सुबह फजर के साथ उसका फोन आता है, वो रात भर काम करके उसी वक्त घर लौटती है। वाकई टाइम कैप्सूल में मुकय्यद, न दिन उसका न रात। एक अमेरिकन कंपनी के किसी आला ओहदे पर फाइज है। क्या हुआ जो वह हफ्ता मुझसे मिलने ना आ सकती हो? शायद ज्यादा पढ़ा लिखा कर हमने ही अपने बुढ़ापे की लाठी तोड़ ली। कुछ देर तक वो यूं ही बेमकसद अपने कमरे में टहलती रही, फिर एक गिलास ठंडा पानी पीकर दोबारा अपने राइटिंग टेबल पर आ गई। अस्तगफिरुल्लाह, आज मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने पंखे की रफ्तार बढ़ा दी और कुछ देर के लिए आंखें मूंद कर खामोश बैठी रही। उसका गुस्सा सड़ पड़ गया था, मगर सोच का सिलसिला टूटता न था। फिर ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरी नस्ल का अलमिया है। घर घर की कहानी है। हमारी नई नस्ल ही खोखली हो गई है, न रिश्तों की खद रह गई है और न तकद्दुस। वो खुद को तसल्ली देने लगी। हमसे पहले वाली नस्लें भी हमारे बारे में यही सोचती रही होंगी। तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए सुमैया। आजर, तोबा, कहाँ की आजर? उन्हें गुजरे तो 2 बरस बीत गए। शायद ये मेरा ज़मीर है जो हर वक्त मुझे टोकता रहता है। शायद मैं ही गलत हूँ। प्रैक्टिकल मॉम, उसे अपने बेटे का वो जुमला याद आया जो एक क्लीशे बनकर हमेशा उसकी आसाब पर हथौड़ी लगाता रहता है। दरअसल यही जुमला मेरे लिए मुझे ले रहा है। मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए। वो खुद से गोया हुई। उसके सर में चुम चुम करती ठंडी बूंदें उभर आई। जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। उसने कमरे की खिड़कियां खोल दी। बाहर से आती ठंडी हवा के झोंकों से उसे अपने अंदर तरावट का एहसास हुआ। उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया और झूलने वाली कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें मूंद ली। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो रात के 8 बज चुके थे। किचन में कुछ काम बाकी थे। उनसे फारिग होकर वो दोबारा अपने राइटिंग टेबल पर आ गई। टेबल पर बहुत सी डाक पड़ी थी। कुछ खतूत के जवाब वो दे चुकी थी और कुछ के देने थे। वो अपने काम में मशगूल हो गई। रात के 11 बज चुके थे। उसने अपने बेटे को फोन मिलाया। हेलो मोम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है बेटा। डोंट टेल मी कि आप आउट ऑफ स्टेट जा रही है। मोम, अब आपकी उम्र हो गई है। घर में बैठकर आराम से लिखिए ना। सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसेस में जाने के लिए यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर है ना। आपने पूरी जिंदगी अदब के लिए वक्त की, अपनी शनाख्त बना चुकी। अब आगे कुछ लिखो कि ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। योर रिलीजन मॉम। हेलो मॉम, आप सुन रही है ना। वैसे कहाँ की इनविटेशन है? कोलकाता। उफ, लंबा सफर है। जरा सोचिए मॉम, सफर में कहीं खुदा ना खासा पैर बार फिसल गया, हमारी तो जिंदगी अजीरन हो जाएगी। फिर आपको तकलीफ होगी सो अलग। हेलो मॉम, आप चुप क्यों है? नाराज हो गई क्या? अब आपके साथ कौन जाएगा? पिछली बार तो छोटी चली थी, अब हर बार तो वो आपके साथ जा नहीं सकती ना। मॉम, कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटा, मैं तुमसे मशवरा नहीं कर रही हूँ, इतला दे रही हूँ। 20 अप्रैल को यहाँ से निकलूंगी और 28 अप्रैल को लौटूंगी। इतने दिन मॉम? हाँ, दो रोजा इंटरनेशनल सेमिनार है। मुझे सदारत के लिए बुलाया है। मैंने कंफर्म कर दिया है। 2 रोज उसमें लगेंगे। बाकी दिन अपने दोस्त के घर होंगी, घूमूंगी फिरूंगी। अभी कुछ देर कबल जिंदगी से मुलाकात हुई है। मैंने उसकी आवाज सुन ली। मॉम, हैरान न हो बेटा, अब मैं पहले जैसी बोधी नहीं रही। अब मैंने जीना सीख लिया है। उसने फोन कंडी पर रख दिया, सुकून की सांस ली और आराम से बिस्तर पर दराज हो गई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैंने जीना सीख लिया है। एक बेहतरीन प्याम पर यह अफसाना ख़त्म होता है। हमारे समाज में जिस तरह से बुज़ुर्गों के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, नई नस्ल जिस तरह से रिश्तों का तकद्दुस और रिश्तों की नज़ाकतों को फरामोश करती चली जा रही है, इन मौज़ूआत को बड़ी खूबी से मोहतरमा कमर जमाली ने इस अफसाने में पेश किया है। जो पुरानी नस्ल है, जो वालिदैन हैं, उनको अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों की तरफ से सौगात की ज़रूरत नहीं है, उनकी रकम की ज़रूरत नहीं है, उनसे माली इमदाद की ज़रूरत नहीं है। उन्हें उनका साथ चाहिए, उन्हें उनका वक्त चाहिए। और इसीलिए कमर जमाली साहबा ने अपने अफसाने में कहा है, जब उनकी बच्ची कहती है, जो रावी है उनकी बच्ची जब कहती है कि मैं ट्रैक कर रही थी, टाइम मैनेजमेंट कर रही थी, तो कहती हैं काश तुम मेरे जज्बात को ट्रैक कर सकती। और फिर हसास इंसान की सूझबूझ इजहार की मोहताज नहीं होती। आज की नई नस्ल बेशक बहुत ज़हीन है, लेकिन वो अपने वालिदैन के जो जज्बात हैं, उनके जो एहसासात हैं, उनके जो दुख हैं, उनको समझ नहीं पा रही है। इस बेहतरीन मौजू को बेहतरीन अफसानवी क़ालिब अता किया है मोहतरमा कमर जमाली ने। हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शन मीडिया सेंटर की तरफ से हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि इतनी दिलकश और इतनी काबिल कदर कहानी आपने हमारे नाजरीन और सामईन के लिए पेश की। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं मैम। शुक्रगुजार तो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तालिब इल्म बहुत दूर दूर तक सुनेंगे और समझेंगे इसको। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कहानियां लिखती हो, इससे किसको फायदा है? लेकिन हम जानते हैं माशरे को सुधारने के लिए अगर हमारी एक भी कहानी किसी एक के दिमाग को भी थोड़ा सा असर उस पर डाल सके तो ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का सफर, अदबी जिंदगी का सफर 50 साल मुकम्मल हो गया और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम को सलामत रखे और हमारे लिए एक नई नस्ल ऐसे निकले जो हमारी वारिस साबित हो। बस यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरा प्याम भी है बच्चों के लिए जो भी सुन रहे होंगे उनके लिए, कि बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि हमारे लिए कोई नस्ल ऐसी हो जो हम फख्र से कह सके ये हमारा, हमारी विरासत है, हमने छोड़ा है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मैं फिरोज साहब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, अच्छे रहें और हमेशा शादो आबाद रहें। शुक्रिया। हम आपकी तख्लीकी ज़िंदगी के 50 बरस मुकम्मल होने पर अपनी जानिब से, अपनी यूनिवर्सिटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं और हम सब दुआ गो हैं कि आप इसी तरह लिखती रहें और हमें ज़िंदगी के रुमूज़ भी समझाती रहें और ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी सिखाती रहें। बेहद शुक्रिया मैम। शुक्रिया। आमीन। और नाजरीन, अगले प्रोग्राम में किसी और तख्लीक़कार के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।